तो जैगुआर गाना बन गया जी, अब तो बहुत पॉपुलर हो गया जी। बट जब कॉलेज के दिन में आप थे सुखी, कैसा था वहाँ पर एक्सपीरियंस? कभी ऐसा हुआ है कि कॉलेज में किसी दोस्त से यू नो गाड़ी उधार मांगी हो किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए? मेरे दोस्तों के पास भी गाड़ी नहीं थी सो नहीं, मैंने कभी कोई गाड़ी नहीं मांगी, ऐसा कुछ नहीं किया। आई एम ए काइंड ऑफ पर्सन, मैं जो हूँ तो आई शो मी माई सेल्फ द वे आई एम राइट, सो मैं वैसा ही रखता हूँ, आई डोंट प्रटेंड, ठीक है जी। एंड या फिर आप वैसे बन जाओ, उस मुकाम तक पहुँच जाओ, प्रटेंड करने से बहुत ज़्यादा अच्छा। आई थिंक जो लोग प्रटेंड करते हैं वो कामयाब नहीं होते जिंदगी में, सो आई वॉज रियल मी ऑलवेज। अच्छा एक चीज़ बताइए मेरे को कि यू नो एवरीबडी सेज दैट एक पीछे कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि माय मॉम, आपको आई विल आंसर दैट, शी इज माय मॉम। द रीजन इज मैंने उनको देखा है हार्ड वर्क करते हुए, राइट? आई यू आस्क्ड इन डिफरेंट वे, आई विल नेम सम समवन एल्स, बट इट्स ऑल अबाउट माय मॉम। उनको मैंने वर्क हार्ड करते हुए देखा है, राइट? सी सो आई रिस्पेक्ट दैट थिंग, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, दैट आई वांट टू वर्क हार्ड, आई वांट टू डू समथिंग that makes them very proud and I want ke wo bas apni unhone bahut mehnat ki hai, easy life jiye aage, so my mom is the lady behind, of course. Aur jo aane wali lady hai wo kaisi honi chahiye, what are the qualities you are seeking in that? It's all har bande ki dekho apni quality hai, we'll see ke wo mere hisab se hai ya nahi hai, and I know that jo hoga acha hoga zindagi mein, keep it positive and अभी ज़्यादा सोचते नहीं इस चीज़ के बारे में, अभी तो काम करना है बहुत। एक और चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आई लव योर फैशन सेंस, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हैं, एनी स्पेसिफिक स्टाइल दैट यू कैरी, क्योंकि हाथ में टैटूज हैं, योर ड्रेसिंग सेंस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। दैट्स व्हाट आई एम, आई डोंट कॉपी एनीवन, आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग नई नई चीज़ें, लाइक आई जैसे सबके आइडियाज़ होते हैं डिफरेंट अपने आप को स्टाइल करने के, आई जस्ट मैं वही कपड़े डालता हूँ जब बाल ऐसे होना, तो मेरे को लगता है कि आई कैन कैरी दिस, अगर मेरे को लगता है कि मैं नहीं कैरी कर सकता तो वो वाना भी चीज हो जाती, मैं नहीं करता, सो दिस इज व्हाट आई एम। ओके एंड व्हाट अबाउट द टैटूज? या टैटूज, आई हैव अ लॉट ऑफ टैटूज, आई वांट अ लॉट ऑफ मोर टैटूज अभी, सो इट्स ए रेवन, ठीक है जी, एंड इट्स ए ग्रेवयार्ड, सो वी कॉल इट ए वॉचर ऑफ सोल्स, ये वर्ड है जो इसको वॉचर ऑफ सोल्स कहते हैं। ओके सो दिस इज अ फॉक्स, मैं क्लेवर, मेरे को लगता है कि मैं बहुत क्लेवर हूं, चंटू मैं, सो दैट्स व्हाई। एंड यहां पे भी टैटू है, यहां पे भी टैटू है, काफी टैटूज है, there are a lot of tattoos on my body but I want more, abhi main pura meko tasalli nahi hui hai। Sukhi aap ek jat family se belong karte hain aur jab aapka fashion sense dekhte hain, aapke haath mein tattoos dekhte hain, to ghar wale zarur bolte honge ki yaar ye kya kiya hua hai। See I mean, my mom says ki ek ladka tha mera, wo bhi rang baranga sa ho gaya, nahi hai। My mom is a teacher so unko bacche school mein ek she had an incident, ki bachcha baal khade karke ghum raha hai, right? So 7th-8th class ka, तो माई मॉम सेड के ये नहीं करने हैं, तो वो कह रहे हैं सुखी भैया भी करते हैं, तो मेरे को मॉम कहते थे तेरी वजह से मेरे को ये सवाल पूछते हैं, बट शी आंसर्ड इट इन अ गुड वे दैट उसने अपनी स्टडीज़ पूरी की हैं, ठीक है जी, उसने अपना करियर में आके देन ही इज़ डूइंग व्हाट ही वांट, सो यू वर्क ऑन योर सेल्फ, कॉन्सेंट्रेट करो जिस चीज़ के ऊपर लगे, डू वट एवर यू वॉन्ट, वैन यू आर ग्रोन अप एंड यू आर मेच्योर, वैन यू नो यू कैन आंसर इफ़ समवन आस्क यू पोक यू अबाउट समथिंग, राइट? अभी पीपल डू आस्क मी, यू नो यहाँ पे क्रिटिसाइज बहुत करते हैं लोग कि ये फुकरा होता है जो बंदा बाल खड़े करके घूम रहा है या इतना ब्लिंगी होके घूम रहा है या टैटू बनाया, ये तो फुकरे हैं। फुकरा होता क्या है, जो बंदा काम नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, वेला बैठ रहा है सारी उम्र, अपने घर वालों पे बोझ है, वो बंदे फुकरे होते हैं। वो बंदा फुकरा कैसे होगा जो मेहनत करके एक मुकाम पे पहुंचा है एंड वो काम कर रहा है सीरियस वे में। एंड आई थिंक एवरीबॉडी हैज अ यू नो फैशन सेंस, अ स्टाइल सेंस, एंड यू शुड जस्ट रिस्पेक्ट दैट, एंड राइट, आप जैसे हो ना आप ऐसे ही रहो, बहुत अच्छे लग रहे हो। ऑफ कोर्स नहीं, पीपल एंड सी मेरे को जरूर सबको मिलता है शुरू में क्रिटिसिज्म, बट लोगों ने प्यार किया एंड प्यार कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आई एम एंजॉयिंग इट, I am very happy with my this journey and I am enjoying it very much. I am enjoying it too. मतलब हम जैसे जितने भी music lovers हैं, we genuinely love his songs. और आने वाले वक्त में क्या आने वाले, is there something which is coming up? किसी बड़े artist के साथ collaborate कर रहे हैं? Is there something that you want to give us like a breaking news? See, I am always open to work with him. I work as a music director too. जी. So I did music of जानी तेरा ना. Yeah. ठीक है. I did music of. इसकी दो लाइनें अगर. I did music. It's a very high. मेरी मम्मी नू पसंद नहीं है तू, वे तेरा गोरा मुँह. So it's a very song, it's sung by Sunanda Sharma, who I did the music, Jani ne likha hai. So I am open to work with good artists, sare sabke sath kaam karne ko, and bas meri ek cheez hoti hai ki hamara kaam jo kare wo mutually ho, aise na ho ki aap aisa hi karke do. So it's always mutually. So I am always open to work with them. And what's your plan for the Bollywood, because mujhe I'm sure short we'll kill it. Yeah, I'm sure. Puri taiyari hai and we're gonna kill it, I know that, and we are making, we have our bank. Okay, theek hai ji, sara music ka, and हम तैयारी में हैं पूरी, एंड वी गोना
do something bit and we're gonna make it. I'm yeah. sure, God willing, yeah. होने वाला है. The songs are doing well, yeah. but the interesting thing is कि कई बड़े odd lyrics होते हैं. जी. जो आपके सॉन्ग्स के अंदर मैंने सुने जी करदा मैं खा जा गोरी है मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सी बात है देखो हर तरह के लोग गाना सुनते हैं आई एम नॉट हेयर टू एंटरटेन एक बंच ऑफ कम्युनिटी और बंच ऑफ पीपल ठीक है जी म्यूजिक हैव नो लैंग्वेज राइट ठीक है जी म्यूजिक हैव नो रिलीजन ठीक है जी म्यूजिक इज अबाउट एवरी वन ठीक है आई एम हेयर टू एंटरटेन ईच एंड एवरी वन ठीक है जी वो चीज़ कुछ लोगों को अच्छी लगेगी कईयों को नहीं अच्छी लगेगी ठीक है जी बट आई कांट मेक एवरी वन हैप्पी एट वंस आई एम नॉट गॉड आई एम श्योर ठीक है जी आई एम ए सिंपल गाय आई एम ए नॉर्मल गाय हु इज वर्किंग हार्ड ठीक है जी टू अचीव हिज गोल्स सो इसमें भी कुछ गलत क्या मेरे को बताओ मैं बोल रहा हूँ जी कर मैनू इतनी सोहनी लग रही है मैं तेरा गल खा जा रहा आई वॉन्ट टू ईट योर ठीक है जी चीक्स नहीं मतलब आज गार्लिक ब्रेड है सी इफ यू लव समवन मैं उस लड़की को बोल रहा हूँ वो गाने में जिसको मैं प्यार करता हूँ और हर बंदा जो सुन रहा है वो उसको इमेजिन करेगा जिसको प्यार करता है तो ये ऐसे थोड़ा कि किसी को भी रस्ते पे जाके कह दोगे आप ठीक है जी इट्स फॉर योर लविंग लव्ड वंस जो तुम्हारी जम्मी बॉडी मेंटेन है आज के ज़माने में आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई सेल्फ माई बॉडी सारे मेरे को पता है सातवीं आठवीं में जाके जिम शुरू कर देते हैं सारे बच्चे एवरी वन इज इन टू स्पोर्ट्स एवरी वन टू वन वॉन्ट टू स्टे फिट आजकल इट्स ऑल ये जमाना ही सेल्फी एंड फोटोज का है इट्स ऑल अबाउट डिजिटल थिंग राइट एवरी वन वॉन्ट गुड पिक्चर्स एवरी वन वॉन्ट टू स्टे फिट राइट एवरी वन इज ऑन टिकटॉक ठीक है जी सो दैट्स द ओनली रीज़न ये सब है सो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में वी कैन सारे फिट होते हैं सो इट्स ऑलवेज हाउ यू टेक इट्स नॉट अबाउट अस इट्स अबाउट द पीपल हु टेक इट इन देयर ओन रॉन्ग वे नो आई एम श्योर फैंस लव यू और बहुत सारे फैंस होंगे जो आपको सोशल नेटवर्क पे भी फॉलो करते होंगे बिल्कुल करते हैं प्यार क्रिटिसिज्म बहुत कम है बहुत प्यार करते हैं मैं पूछ रहा था कुछ ट्रोल्स भी हैं पीपल बहुत आई एंजॉय इट मेरे ट्रोल्स बनते हैं आई एंजॉय इट आई लव इट एनी स्पेसिफिक मैसेजेस फॉर द ट्रोल्स डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए दे कैन मेक ट्रोल्स आई ऑलवेज रिस्पेक्ट मैंने शेयर भी किया था एक मेरा ट्रोल बना था मैंने शेयर भी किया था सो आई थिंक आपके बारे में बातें होती रहनी चाहिए दैट्स ए प्रमोशन सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट या क्योंकि आपका म्यूजिक एब्सोल्युटली स्टनिंग है वेस्टर्न म्यूजिक तो बहुत अमेजिंग है बट इज देयर समथिंग व्हिच इज कमिंग अप विद अ फोक एंड ऑल यू आर यू गोना मिक्स अप सम म्यूजिक या वी वुड मैं एल्बम के ऊपर काम कर रहा हूँ ठीक है जी इट विल टेक टाइम अभी भी ठीक है जी आई विल ट्राई कि उसमें सब कुछ होगा एवरी मतलब हर तरह का टेस्ट ऑफ म्यूजिक हो ठीक है जी सो वी आर डूइंग कुछ फ्यूजन्स उसमें एंड एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आई एम डूइंग ऑलरेडी काफ़ी कुछ ठीक है जी बट फॉर माई सेल्फ आई एम एक्सपेरिमेंट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स ओके मेरे को लगता है एक ना सेलिब्रिटी की दो लाइफ्स होती हैं एक जब वो सेलिब्रिटी नहीं होते और एक वो जब बन जाते हैं बिल्कुल जी तो जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हो यू स्टिल गो एंड मीट दोस पीपल जैसे बैक इन कॉलेज बैक इन द सेम टाउन पुराने रिलेटिव्स अभी थोड़ा ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट हुआ है या यू थिंक कि पहले से लोग डिफरेंटली ट्रीट करते हैं आई वाज छोटे होते भी आई वाज सेलिब्रिटी इन माय फैमिली आई यूज्ड टू बी सबसे आगे जब कोई फंक्शन हो नाचना है सब कुछ आई यूज्ड टू बी ए क्रेजी किड ठीक है जी सो वैसे भी मेरे साथ अगर इफ आई टेल यू आई हैव दोज पीपल विद मी जो मेरे साथ शुरू में थे मेरे सेम ही दोस्त हैं मेरे सेम ही सारे सराउंडिंग में लोग हैं जिनके साथ मैं शुरू में था एंड वो भी अभी भी मेरे साथ वो ही रहते हैं वैसे ही ट्रीट करते हैं सो वो सेम ही ट्रीट करते हैं वो मेरे को एज ए आर्टिस्ट नहीं ट्रीट करते हैं तो लड़ाई भी करते हैं तो उनको गाली भी निकाल देते हैं सो एक आर्टिस्ट लाइफ जब आप घर से बाहर निकलते हो आर्टिस्ट लाइफ एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रो आपका एक एंड ईच एंड एवरी एक्शन ठीक है जी आपका एक गलत एक्शन आपका करियर खत्म कर सकता है सो देयर कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर सक्सेसफुल एंड यू वांट टू बी मोर सक्सेसफुल यू नो कभी आप सेटिस्फाइड तो नहीं होते बिल्कुल अगर आप होगे तो आपकी जिंदगी वहीं पे खत्म होगी ठीक है जी सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है बिल्कुल बिल्कुल एंड यू वर्कड वेरी हार्ड जी इतने साल से आप मेहनत कर रहे हो और अब आप सक्सेसफुल हो जी तो मैं चाहता हूँ आप सब लोगों को बताएं कि व्हाट इज योर सक्सेस मंत्र हाउ डू यू सी इट गोइंग सक्सेस मंत्र इज कि यू स्टिक टू योर गोल्स Have patience, work on them. There are a lot of up and downs in life. Don't look back. ठीक है जी Just stay like a horse. ऐसे देखते जाओ बिल्कुल जो आपकी मुश्किलें हैं उनको देखो उनके साथ लड़ो जो लोग बात ज़्यादा बोलते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं लोग वो भी आपकी एक एनर्जी है वो एक पावर है वो चीज़ें आपको एक पंप अप देती हैं टू प्रूव योर सेल्फ सो टू प्रूव योर सेल्फ शीशे में सामने खड़े होकर देखो कि आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होना है अपनी नज़र में आपको रिग्रेट नहीं करना मैं कुछ कर सकता था मैंने नहीं किया राइट मेरे को नहीं रिग्रेट है आज मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है सो दैट्स द ऑल यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सो जस्ट वर्क हैव पेशेंस एंड यू विल अचीव एवरीथिंग एब्सोल्युटली आई हैव ऑलवेज लव्ड हिम मैंने इनके गाने हमेशा पसंद किए हैं आज इनको पर्सनली जान के और पसंद कर रहा हूँ एंड आई एम श्योर आपको भी इनकी पर्सनल साइड बहुत अच्छी लगी होगी सुखी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक यू सो मच वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके आने वाले गाने और बेहतरीन हो आप एक नया मुकाम हासिल करें सो ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड
तो ये थे सुखी, जिनसे मुझे पर्सनली बात करके बहुत मजा आया। अगली बार फिर से जुड़ेंगे एक नए सिंगिंग सेलिब्रिटी से। फिलहाल के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई एम आदित्य उपल, साइनिंग ऑफ। सी यू।